हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो में आप लोग को सिखाने वाला हूँ कि ब्रीदिंग कैसे करते हैं। जब आप लोग स्विमिंग करने जाते हो, जो भी आप लोग स्टार्ट करते हो, उस टाइम पे ब्रीदिंग का प्रॉब्लम जो होता है, तो ब्रीदिंग कैसे करना होता है, इसके ऊपर मैं आज ये वीडियो बनाने वाला हूँ। बहुत सारे लोग का ये प्रॉब्लम है। इस वीडियो में थोड़ा सा पेशेंस रखना, मैं आराम आराम से आप लोग को सिखाने वाला हूँ। जो जो चीज़ें मैं बताता हूँ उसको ध्यान देना आप लोग कि मैं क्या बता रहा हूँ, एक एक चीज़ों पर ध्यान देना। आपका टाइम मैं ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, एक काम करना है यार, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। गाइस, आप लोग जब भी सीखने जा रहे हो ना ब्रीदिंग, ब्रीद कैसे लेना है, आप लोग का प्रैक्टिस करना होगा वो बबलिंग का प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, तो बबलिंग का प्रैक्टिस कैसे करना है, लॉन्ग ब्रीद लेना होता है, होल्ड करना होता है, होल्ड करके पानी के अंदर जाके छोड़ते हुए वापस आना पड़ता है ऐसे। इससे क्या होता है ना कि हम लोग जो सांस लेना और छोड़ने की आदत बनती है बबलिंग का प्रैक्टिस करने से। इसके बाद से क्या होता है, मान लो आप लोग स्विमिंग करना स्टार्ट कर दिए, जितना देर करना होता है उतना देर कर लेते हो, और करने के बाद से फिर खड़े हो जाते हो। ये मिस्टेक बहुत सारे लोग का, ऐसा ये मिस्टेक होता है। अगर मैं आपको ऐसे बता दूं तो आप लोग को ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, मैं खुद करके दिखाऊंगा कि आप लोगों को करना कैसे है। अभी थोड़े देर तक स्विमिंग करके दिखाऊंगा और उसमें दिखाऊंगा कि ब्रीदिंग कैसे करना है। सो गाइस, अभी मैं करने वाला हूँ सामने वाला ब्रीद, तो अभी मैं स्टार्ट करूँगा और आप लोग देखना कैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी मैं वॉल से पुशिंग कर दिया हूँ मैं, और उसके बाद से हैंड मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, और स्टार्ट करने के बाद से ब्रीद कर रहा हूँ सामने वाला। और जैसा कि आप लोग नोटिस कर सकते हो कि मैं अपने हाथों की हेल्प से फ्रंट ब्रीद ले रहा हूँ और कंटिन्यू मेरा किकिंग चल रहा है, तो ये आप लोग नोटिस कर सकते हो। ज़्यादा मैं हाथ पैर नहीं पटक रहा हूँ, क्लियरली आप लोग देख सकते हो। सो गाइस, जब भी आप लोग साइड ब्रीद करने जा रहे हो तो आप लोग ये वीडियो देख लो, और इससे समझना कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऊपर की साइड में ऊपर जितना टर्न कर लो, क्योंकि कम टर्न करोगे ना तो पानी पी लोगे, मुंह में पानी चला जाएगा। आपका स्टार्टिंग है तो ज़्यादा आपको मुड़ना होगा, और बॉडी को बैलेंस करना है, किकिंग कंटिन्यू करते रहना है। ठीक है ना, ज़्यादा हाथ नहीं पटकना है, ये सारी चीज़ों का आप लोग को ध्यान देना है। ठीक है ना, जिससे कि आप लोग को समझ में आएगा। एक बार प्रॉपर कर लोगे ना, एक बार सही से कर लोगे, थोड़ा सा हो जाएगा ना, तो बाद में आप लोग धीरे धीरे सही करना चालू कर दोगे। तो गाइस, अभी मैं करने जा रहा हूँ साइड ब्रीद, और साइड ब्रीद में भी मूवमेंट सेम होता है, लेकिन ब्रीदिंग हमारा इसमें जो होता है वो साइड का होता है, और बॉडी को टर्न करना होता है। जैसा कि आप लोग नोटिस कर सकते हो कि मैं अपने फेस को साइड में कैसे मूव कर रहा हूँ। ठीक है, और हैंड मूवमेंट हमारा प्रॉपर वही चल रहा है, और लेग मूवमेंट सेम है। ठीक है, बस डायरेक्शन को चेंज करना होता है, तो इसमें आपको समझने की ज़रूरत होती है। गाइस, जो भी स्टार्टिंग में सीखने जाता है और वो जल्दी सीख नहीं पाता है, तो उसका रीज़न जानते हो आप लोग? उसका बहुत ही अलग अलग रीज़न है, जो अलग अलग तरह से गलतियां होती हैं, तो उसके वजह से नहीं हो पाता है ब्रीदिंग। तो उसमें कुछ गलतियां होती हैं, जैसे कि मैं आप लोग को बता दे रहा हूं। तो उसमें फर्स्ट जो गलती होती है वो हैंड मूवमेंट एंट्री की होती है, लेग मूवमेंट का होता है, और जैसे कि हाथ को ज़्यादा पटकना, पैर को ज़्यादा पटकना। ठीक है, और हेड को ज़्यादा डाउन रखना, बहुत सारी ऐसे जो गलतियाँ होती हैं जो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम करती हैं। और एंड में आता है हमारा हाथ और पैरों में पावर कम होने का रीज़न, जिसकी वजह से हमारा ब्रीद लेने में प्रॉब्लम होता है। तो सामने वाले ब्रीद में क्या क्या प्रॉब्लम आता है? सामने वाले ब्रीद में जैसे कि क्या होता है कि जब ज़्यादा हाथ पटकते हो और पैर कम चलाते हो, या तो पैर पे ज़्यादा फोकस करते हो, पैर ज़्यादा चला देते हो और हाथ पे कम फोकस करते हो, ये दोनों प्रॉब्लम जो है ना, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है आप लोगों को, ब्रीद नहीं लेने देता है। तो जब ज़्यादा ये हम हाथ मारते हैं तो पानी उछलता है। दूसरा में ये होता है कि जब हम ज़्यादा तेज़ हाथ मारते हैं तो ये जो है ना बबल साथ में जाता है, और जब बबल साथ में जाता है तो ये जो है ना हमें प्रॉपर फोर्स नहीं मिल पाता है, और जब प्रॉपर फोर्स नहीं मिल पाएगा तो हम बॉडी को कैसे उठाएंगे, क्योंकि हमें इन हाथों के मदद से ही हमें अपने बॉडी को उठाना होता है, कंट्रोल करना होता है, और लेग मूवमेंट के मदद से करना होता है। जैसे मान के चलो लेग भी उल्टा पुल्टा चला रहे हो, हाथ भी उल्टा पुल्टा चला रहे हो, तो बॉडी को कैसे उठाओगे, नहीं उठ पाएगा ना। जहाँ तक सांस रहेगा वहाँ तक करोगे, फिर रुक जाओगे,
तो एक ही गलती को बार बार रिपीट करते रहोगे और रुकते रहोगे। तो क्या करना है आप लोगों, चाहे साइड ब्रीथ करो चाहे फ्रंट ब्रीथ करो, ज़्यादा हाथ नहीं पटकना है, ज़्यादा पैर नहीं पटकना है, जो प्रॉपर स्ट्रोक होता है आपको प्रॉपर करना है। ज़्यादा हेड डाउन भी नहीं लेके जाना होता है, ज़्यादा हेड डाउन लेके जाओगे तब पर भी सांस लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आप लोग के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आप लोगों को ध्यान देना ज़रूरी है। सो गाइस, देखा आप लोगों ने मैं कितना इजीली कर लिया इसको, आप लोग भी इजीली कर सकते हो, बस आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ही प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा होगा, आप लोगों को कोशिश करना है। नहीं होता है तो फिर से एक बार और वीडियो देखो, लेकिन आप लोग ट्राई करो, जितना ट्राई करोगे उतना ही आप लोगों का बेटर होता चला जाएगा। ट्राई नहीं करोगे, सोचोगे नहीं हो पा रहा है तो फिर नहीं हो पाएगा। भले ही एक दो बार पानी पी जा रहे हो वो बात बेशक अलग है, और कुछ सीखते टाइम पे तो थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम होता ही है। तो आप लोगों को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना है। सो आई होप यू गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आप लोग को अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।